दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। तो दोस्तों जो लिस्ट में नंबर वन पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो है फेरजोल। तो फेरजोल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 2285 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर दो पर है चूराचांदपुर। तो चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 4750 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर तीन पर है चंदेल। तो चंदेल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 521 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर चार पर है तेंगनोपल। तो तेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1142 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर पाँच पर है कामजोंग। तो कामजोंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर छः पर है उखरुल। तो उखरुल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 4544 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर सेवन पर है सेनापति। सेनापति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 3271 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर आठ पर है तेमेंगलोंग। तो तेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 4391 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर नौ पर है जिरीबाम। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 232 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर टेन पर है नोने। नोने डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1217 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर इलेवन पर है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 496 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर ट्वेल्व पर है काकचिंग। काकचिंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 190 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर थर्टीन पर है थोबल। थोबल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 514 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर फोर्टीन पर है कोंगपोकपी। कोंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 1698 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर फिफ्टीन पर है इम्फाल वेस्ट। तो इम्फाल वेस्ट का एरिया है 558 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर सिक्सटीन पर है इम्फाल ईस्ट। तो इम्फाल ईस्ट का एरिया है 710 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी मणिपुर की 16 डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट के नाम के बारे में और साथ ही साथ ये भी जाना कि इनका एरिया क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।